हाय एवरीवन, सो लेट्स डू बोन की ट्यूमर्स. तो इंडिविजुअली करें तो काफ़ी ही कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं, सो लेट्स डू इट लाइक दिस. सबसे पहले ऑस्टियोसारकोमा. तो सबसे पहले हम सबके ओरिजिन पढ़ेंगे, ठीक है. ऑस्टियोसारकोमा का ओरिजिन है ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है. तो हाउ टू रिमेंबर दिस, हम इसे याद रख सकते हैं SBI से, एस के साथ बी आता है. तो अगर ऑस्टियोसारकोमा है तो ऑस्टियो के साथ बी आएगा, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है. फिर हम आते ई विंग्स सार्कोमा में, ठीक है. ई विंग वाले थोड़े से मोटे होते हैं, हम ऐसे याद रख सकते हैं, ई विंग वाले मोटे होते हैं. तो ई विंग्स वाले को कहते हैं राउंड सेल ट्यूमर. इनका ओरिजिन इज न्यूरो एक्टोडर्मल, ठीक है. जो ई विंग वाले होते हैं वो मोटे होते हैं लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब न्यूरो वाले होते हैं. तो न्यूरो एक्टोडर्मल, अब एक्टो में भी ई आता है तो न्यूरो एक्टोडर्मल. तीन तरह के होते हैं, क्लासिक, सॉफ्ट टिश्यू और प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल, ठीक है. अब उसके बाद हम आते हैं जाइंट सेल ट्यूमर पे. जाइंट सेल वाले को ऑस्टियोक्लास्टोमा भी कहते हैं, ठीक है. इनका ओरिजिन होता है फ्यूजन ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल ऑस्टोमा. तो हम इसे कैसे याद करेंगे, जाइंट सेल है मतलब खतरनाक वाला होगा, जाइंट है तो मतलब जो बोन को खाता है उसका ट्यूमर है, तो ये ऑस्टियोक्लास्टोमा है. अब जो खाते हैं तो वो मतलब एकदम से सब खाते जाएंगे, मतलब सबका फ्यूजन होता जाएगा, तो फ्यूजन ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स ऑफ स्ट्रोमा. फिर हम आते हैं कोंड्रोसार्कोमा. नाम से पता चलता है कोंड्रो कार्टिलेज का है, तो कोंड्रोब्लास्ट से ओरिजिन होता है. ओरिजिन के बाद हम देखते हैं कि दिखता कैसा. अब ऑस्टियोसार्कोमा था, हमने कैसे याद किया था, SBI से. SBI क्या होता है, बहुत बड़ा बैंक है, बहुत सबसे ज़्यादा पैसा है तो सबसे ज़्यादा बल्कि है. और जो SBI है इन्हें प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ कलरफुल एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, ब्लैक वाइट सन का काम चल जाता है, तो बिग बल्कि ग्रे वाइट होते हैं, ठीक है. जो ईविंग सार्कोमा है, ईविंग वाले हैं जो राउंड है लेकिन इंटेलिजेंट है. तो अब जो राउंड है, ठीक है, मोटे मोटे है तो सॉफ्ट होंगे, ठीक है, जल्दी से उन्हें गुस्सा चढ़ जाता है, तो फ्राई मतलब फ्राई हो सकता है, तो फ्राईएबल. और ये भी क्योंकि इनके पास दिमाग है अच्छा खासा, तो इन्हें भी कलरफुल एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये भी ग्रे वाइट होते हैं. फिर हम आते हैं जाइंट सेल वाले पे, ऑस्टियोक्लास्टोमा वाले पे. अब जो ऑस्टियोक्लास्टोमा वाला है ये क्या जाइंट है, तो और एक ही है, मतलब इन्हें खाना है. अब हम अनलिमिटेड तो नहीं खा सकते, एक बाउंड्री होती है, तो इनकी बाउंड्री होती है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं और बिल्कुल ही डार्क टैन कलर के ये होते हैं. तो ये क्लास्ट है, तो मतलब देखो क्लास्ट मतलब राक्षस जैसे, तो राक्षस को हम कैसे दिखाते हैं, बिल्कुल डार्क टैन कलर का. फिर है कोंड्रोसार्कोमा. कोंड्रोसार्कोमा क्या है, कार्टिलेज जैसे, तो ये ब्लूइश वाइट होगा, इसमें ट्रांसलेंट होगा, वही कार्टिलेज वाली चीज़ है, और इसमें कैल्सिफिकेशन देख सकते हैं. तो ये हो गया हमारे ओरिजिन और कैसा ग्रोथ दिखता है. फिर हम आते हैं किधर होते हैं, ठीक है. तो जो ऑस्टियोसार्कोमा है, ठीक है, ये किधर है, ये मेटाफाइसिस पे. तो हम एम को याद रखते हैं मिड से. तो जो SBI है ये इंडिया का मिडल पार्ट है, मतलब सभी जने से कनेक्टेड है. तो ये मेटाफाइसिस में होते हैं एंड मोस्टली लॉन्ग बोन भी, बहुत लंबा लंबा ब्रांचेज है ना SBI की, तो लॉन्ग बोन में. बाकी सब में हमें हेमरेज नेक्रोसिस लिखनी है, तो ये वही है. बाकी जो ईविंग वाले है, ईविंग वाले बहुत ज़्यादा राउंड है तो उन्हें डाइट करने की ज़रूरत है. अभी जो जाइंट वाला है, ठीक है, जाइंट वाले के भी नाम ओस्टियो से शुरू हो रहा था पहले, ऑस्टियोसार्कोमा भी ओस्टियो से शुरू हो रहा था, वो भी मेटाफाइसिस था, ये भी मेटाफाइसिस है. फिर है कोंड्रोसार्कोमा. कोंड्रोसार्कोमा है कि सेंट्रल स्केलेटन में है, तो सी फॉर कोंड्रो, सी फॉर कार्टिलेज, सी फॉर सेंट्रल स्केलेटल. फिर हम आते हैं एज, तो मोस्टली ये 30 के अराउंड होते हैं सारे. तो हमें क्या याद रखना है कि जो SBI वाले हैं ये तो मतलब बच्चों का बैंक अकाउंट खोलते हैं और एक बूढ़ों का खोलते हैं. तो प्राइमरी वाला होता है 20 साल से कम में और सेकेंडरी वाला होता है एल्डरली में, ठीक है. उसके बाद जो हमारा ईविंग वाले हैं, ईविंग वाले इज 10 to 15, तो मोस्टली सभी में यही एज ग्रुप है टिल 20, या मतलब मीडियन इज 20 ईयर्स, ठीक है. हम मोलिकुलर देखते हैं. अब जो SBI वाले हैं, SBI वाले इस मतलब मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन हमने दो सुने हैं, P53 और रेटिनोब्लास्टोमा में म्यूटेशन, ठीक है. जो हमारा
इविंग वाले हैं, ठीक है। इविंग वाले में ट्रांसलोकेशन होती है 11:22 की। तो हाउ टू रिमेम्बर दिस इज कि जो इविंग वाले हैं, ठीक है, ई में क्या है कि राउंड है, तो हम लिख सकते हैं कि डबल डबल सब कुछ दिखता है। तो 1-1 मतलब कि पहले पतले थे 1-1, तो और फिर डबल हो गए तो 2-2, तो दोनों अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेट डिजिट सेम होंगी तो 11:22 में। फिर है इन जो 11 वाला जीन है वो 22 पे चला जाएगा और एक नया जीन बनाएगा जिसे कहते हैं EWS। EWS तो इविंग सार्कोमा का ही है। फिर है कि ये जो नॉर्मल फ्लैट लोग हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अब इनमें म्यूटेशन होगी तो फ्लाई कर पाएंगे। तो EWS FLI फ्लाई 1। इनमें CMYC की भी म्यूटेशन होती है, वो हो तो मतलब एक ही ठीक है। बाकी हमारे मॉर्फोलॉजी पे, तो जो हमारे एक तो ये है SBI वाला ऑस्टियोसार्कोमा और एक है हमारा कोंड्रोसार्कोमा, जिनके लास्ट में आता है सार्कोमा, वो दो तरह की मॉर्फोलॉजी होती है, एक मेड्यूलरी या सेंट्रल और एक जक्स्टाकॉर्टिकल या पेरिफरी वाली या पैराऑस्टियल। मोस्ट कॉमन दोनों में मेड्यूलरी वाली होती है, ठीक है। तो जो सार्कोमा वाले हैं उनमें दो आती हैं, मेड्यूलरी और जक्स्टाकॉर्टिकल। फिर आते हैं हमारे ईविंग वाले। ईविंग वाले में क्या है, विंग है तो अलग अलग घर होंगे, ठीक है, और सभी लोग मोटे मोटे हैं, तो सभी एक तरह के मोटे तो होंगे नहीं, इरेगुलरली मोटे होंगे और लोब्यूल्स जैसे होंगे, तो इसलिए बहुत सारे इरेगुलर लोब्यूल्स को फाइब्रस सेप्टा क्या कर रहे होंगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, और स्कैंटी साइटोप्लाज्म होते हैं और ये पास पॉजिटिव है। अब देखो इतने दिमाग वाले तो सभी पास होंगे पेपर में, तो पास पॉजिटिव। फिर हमारा ओस्टियोक्लास्टोमा या जाइंट सेल, तो इनमें हमें जाइंट सेल दिखेगा। जाइंट सेल क्या आता है, ओस्टियोक्लास्ट टाइप सेल, और इसमें स्ट्रोमल सेल दिखेंगे, और जाइंट सेल वाले में मैक्रोफाज भी दिखेंगे क्योंकि जाइंट सेल बन रहे हैं। फिर हम आते हैं रेडियोलॉजी पे, तो जो SBI है, अब SBI में सब हमें कोड बनाना होता है हमारे पैसे निकालने के लिए, तो इसमें कोडमैन ट्राइंगल दिखता है। फिर जो ईविंग वाले हैं, ईविंग वाले मोटे होते हैं, उनके ऊपर मतलब परत चढ़ती रहती है फैट की, तो अनियन स्किन फैशन है, और जो जाइंट सेल है वो सोप बबल अपीयरेंस है। फिर हम आते हैं क्लिनिकल फीचर में, तो हमें सब में डालना है पेनफुल एनलार्जिंग मास, ठीक है, ठीक है। तो जो ऑस्टियोसार्कोमा था, इनमें सडन फ्रैक्चर हो सकते हैं और ये एडजेसेंट स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं, सभी में मेटास्टेसिस होती है। ईविंग वालों में फीवर हो सकता है, ESR बढ़ा हुआ हो सकता है। जाइंट सेल ट्यूमर में एक ही लीजन होता है, आर्थराइटिक सिम्टम्स से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में स्लो ग्रोइंग ट्यूमर, मोस्टली ये सारे किसी में भी लग सकते हो, मतलब पेन सब में होगा, पेनफुल एनलार्जिंग मास सब में होगा, टेंडरनेस, स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड पार्ट, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, सभी में लिख सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट बोन कैंसर्स।